आप देख रहे हैं फास्ट समाचार और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बड़ी खबर सिटी कोतवाली क्षेत्र ग्वालियर बाईपास क्षेत्र से आ रही है, जहां अवैध रूप से संचालित एक कोल्ड ड्रिंक्स के गोदाम पर प्रशासन ने छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया। उक्त गोदाम से प्रशासन ने अवैध रूप से रखी हुई लगभग 25 लाख रुपए की कोल्ड ड्रिंक्स को भी जब्त किया है। उक्त गोदाम शहर में कुकुर मुत्तों की तरह पनपी पिकनिक बेकरी के संचालक का बताया जा रहा है। इस कार्यवाही से पिकनिक बेकरी की संस्थाओं में भी भय व्याप्त हो गया है। जानकारी के अनुसार गर्मी का मौसम प्रारंभ होते ही जिले में कोल्ड ड्रिंक्स की मांग बढ़ने लगी है, जिसे लेकर शहर में कोल्ड ड्रिंक्स के व्यापारी अवैध रूप से माल को खपाने के लिए एकत्रित करने में जुट गए। इसके चलते नियमों को ताक पर रखकर खुले में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए कई जगह कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉक की खबर आ रही थी, जिसे लेकर SDM अनिंद्र सिंह गुर्जर की टीम ने छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया। इस कार्यवाही में SDM और खाद्य विभाग की टीम ने कंसाना फार्म हाउस के निकट अवैध रूप से संचालित कोल्ड ड्रिंक्स गोदाम पर छापा मारा। इस कोल्ड ड्रिंक्स के गोदाम पर फ्रूटी और कोको कोला कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर ने SDM अनिंद्र सिंह गुर्जर से शिकायत कर कार्यवाही की गुहार लगाई। SDM साहब के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ग्वालियर बाईपास रोड पर कोई अवैधानिक गोदाम है, अवैध गोदाम, जिसमें कोई नकली कोल्ड ड्रिंक संग्रहित है। तो मौके पर जिला प्रशासन के संयुक्त दल के साथ यहाँ देखा गया तो नकली कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है, जो कोल्ड ड्रिंक उपस्थित है उसके हम लोग नमूने ले रहे हैं और लाइसेंस संबंधी जानकारी मांगी गई है। तो मौके पर उनके द्वारा लाइसेंस अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया, चूँकि कार्रवाई अभी सतत जारी है। अगर प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो कोई इशू नहीं है, अगर प्रस्तुत नहीं किया जा किया गया तो अवैध गोदाम है। तो इसमें क्या 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 क्या, क्या, क्या शिकायतें मालूम हुई थी, कौन कौन सी कंपनी की ऐसा माल मिला है आपको? माल में शिकायत ये मिली थी कि नकली है, जबकि फर्स्ट फेज में हम लोगों को देखने पे लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि ऐसा नकली नहीं है। नहीं तो अवैधानिक रूप से भंडारण है, ये अवैध भंडारण है। हाँ तो अवैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाते तो कर देते हैं, चूंकि कार्यवाही कंटिन्यू सतत जारी है, अभी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं कर पाते तो अवैध। ये सभी कार्रवाई सर अभी मालिक का नाम ओपन हुआ कि नहीं हुआ कोई फर्म? ये गोदाम किसका है? ये गोदाम किसका है? ये गोदाम केला देवी इंटरप्राइजेस के नाम से है। सर कब तक की बोला है उन्होंने लाइसेंस प्रस्तुत करने? अभी बोल रहे हैं कि मंगवा रहे हैं, लेकिन अभी कितनी देर से कार्रवाई चल रही है सर यहाँ पे? निरंतर लगभग 1.5 घंटा हो गए, 1.5 घंटे से जा रही है सर। घंटे में ला नहीं पाए लाइसेंस। इसमें सर जो ये कंपनीज की जो मिली हैं बॉटल्स वगैरह जो मिली हैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की एजेंसीज वगैरह भी रहती होंगी? हाँ। तो उनके द्वारा शिकायत की गई थी क्या इस तरीके की? जो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर है उसके द्वारा मौखिक रूप से शिकायत की गई थी, उसके आधार पर कार्रवाई की गई जी।